हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको डेफिसिट डिमांड होती क्या है ये भी समझा दिया था, डेफिसिट डिमांड के रीजंस क्या है ये भी समझा दिया था। अब इस जो है आपके वीडियो लेक्चर में हम लेंगे कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट क्या होते हैं, कौन सी चार मेन पोजीशंस हैंडल करनी पड़ती हैं एक कंट्री को जब उसकी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए तो, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग है हमें रिजल्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, ऑफ डेफिसिट डिमांड के। अगर डेफिसिट डिमांड कम हो जाती है उसके क्या नतीजे क्या रिजल्ट निकलेंगे। फॉर क्रिटिकल सिचुएशंस हमें बहुत मुश्किल भरे दिन देखने पड़ सकते हैं इस चीज के लिए। देखो देखने में चीजें बहुत छोटी हैं लेकिन इकोनॉमी में अगर एक फैक्टर भी हिल जाए ना पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। ये मैंने आपको समझाया हुआ। पहले नंबर पे एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया। हर एक कंट्री चाहती है कि उस कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, हर एक कंट्री ये चाहती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि फुल एम्प्लॉयमेंट पूरा भी ना हो और उससे पहले इक्विलिब्रियम आ जाए, मतलब क्या है कि उससे पहले ही डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए। डिमांड और सप्लाई तब इक्वल हो जब कंट्री में पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए, ठीक है। तो देखो ऑइंग टू डेफिसिट डिमांड, ये डेफिसिट डिमांड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, इसका मीनिंग क्या है कि प्रोडक्शन के फैक्टर यूटिलाइज नहीं हुए पूरी तरह। प्लैंड आउटपुट रिमेन्स द पोटेंशियल आउटपुट, जो प्लैंड आउटपुट है वो क्या हो जाती है लेस हो जाती है, मतलब यहाँ बोलते हैं कि जो पोटेंशियल यानी कि करने की पावर ज्यादा होती है। प्लैंड जो होता है हमने करा तो हर एक कंट्री यही प्लान करती है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट लें तब हमारी जो है इक्विलिब्रियम ठहरे, लेकिन उनका जो प्लान किया वो ऑब्जेक्टिव होता है वो उनको पहले ही मिल जाता है, मतलब उन्होंने जो चीज प्लान करी होती है वो उनको कम फैक्टर को यूटिलाइज करके ही मिल जाती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये फिगर समझाई थी ना, प्रीवियस वीडियो में ये था कि हम तो चाहते थे कि यहाँ पे हो जाए लेकिन प्लांट यहीं पे पूरा हो गया तो इतने डिमांड लोगों की कम रह गई, ठीक है, इतने डिमांड लोगों की क्या रह गई कम रह गई और इतने जो फैक्टर है हमारे अनयूटिलाइज रह गए। अगर ये फैक्टर यूटिलाइज हो जाते यानी कि तो हमारी इतनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती, हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाती अगर और फैक्टर जो है हम यूज कर देते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, हम चीजें तो बना रहे हैं लेकिन लोग उनको खरीद ही नहीं रहे, तो एक प्रोड्यूसर क्यों ज्यादा चीजें बनाएगा भाई, क्यों वो लॉस में जाना चाहेगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। तो अब देखो इस फिगर को मैंने डिफाइन करा हुआ है अच्छे से, ये लाइन मैंने क्या लगाई है ये मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें ये जो है लाइन, ये लाइन है पहले आप समझो प्लैंड की, यानी कि जब आप अंडर एम्प्लॉयमेंट में हो यानी कि अभी भी लोग बेरोजगार हैं यानी कि हमारी कंट्री के फैक्टर अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुए तो हमें इक्विलिब्रियम देखो यहाँ पे मिला है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ये हमारी तब की इनकम है, देखो ये इतनी इनकम तब की इनकम है जब हमारे फैक्टर इतने यूटिलाइज हुए हैं, देखो इतने फैक्टर यूटिलाइज हुए हैं, इतनी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आए, जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आए तो हमारी डिमांड देखो इतनी और बढ़ जाती है, ठीक है, और तब हमारा जो है जीडीपी कंट्री की इतनी होगी यानी कि हमारी कंट्री के लोगों की इनकम इतनी हो जाती अगर लोग अच्छी डिमांड करते और प्रोड्यूसर अच्छे से प्रोड्यूस करता चीजों को, लेकिन हुआ नहीं ये सब तो इमेजिनेशन रह गई, ठीक है। तो इकोनॉमी यही चीज तो शो करती है और ये आपकी होती है एग्रीगेट सप्लाई वाली का जो आपको इस चैप्टर में बनानी जरूरी है। अब देखो आगे है आपका सबसे मेन और सेकंड पॉइंट, दिस इज डिफ्लेशनरी गैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आउट, डिफ्लेशनरी गैप विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले बोल रही हूँ। डिफ्लेशनरी गैप होता कुछ नहीं, मैं आपको फिगर में दिखाऊँ क्या होता है डिफ्लेशनरी गैप। ये जो आपकी डेफिसिट डिमांड होती है ना, ये जो आपकी ये डेफिसिट डिमांड है इतनी थी इतनी होनी चाहिए, इतनी डिमांड कम है, ठीक है, यानी कि प्लैंड एग्रीगेट डिमांड और फुल एम्प्लॉयमेंट के बीच जो डिफरेंस है ये डेफिसिट डिमांड होती है और डेफिसिट डिमांड को ये डिफ्लेशनरी गैप बोला जाता है। ये जो इतना गैप होता है ना बीच में, इतना गैप
प्लैंड और एग्रीगेट डिमांड और फुल एग्रीगेट डिमांड के बीच में ये जो गैप है इसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। कौन सा गैप बोलते हैं इसको? डिफ्लेशनरी गैप। अब देखो बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्रिएट्स, अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इससे एक गैप बनेगा जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, और ये इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। आगे देखो एक चीज, द सिचुएशन, ये सिचुएशन आपकी ही कब है, कब गैप बढ़ना शुरू हो जाता है? जब इकोनॉमी में चीजों की डिमांड कम होने लगती है, डिफ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशनरी प्रेशर का मीनिंग है कि हम या तो सेविंग बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं या फिर हमारी इनकम ही इतनी कम है कि हम चीजों की डिमांड ही नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगा? तो आप खुद सोचो, जब आप चीजें खुद कम खरीद रहे हो तो बनाने वाला क्यों ज्यादा बनाएगा? तो इन्वेस्टर्स कम इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इसका मतलब इकोनॉमी में चीजें ज्यादा सप्लाई नहीं होंगी। चीजें ज्यादा सप्लाई नहीं होंगी इसका मतलब जो बेचने वाले हैं उनको इनकम ज्यादा तो होने नहीं वाली है। जब इनकम ज्यादा नहीं होगी तो क्योंकि लोगों तो डिमांड पहले ही ऑलरेडी है, क्योंकि इनकम कम होगी तो लोगों की डिमांड और कम होगी, लोगों की डिमांड और कम हुई तो इन्वेस्टमेंट और कम हुआ, इन्वेस्टमेंट और कम हुआ तो उसके कारण आउटपुट और नीचे गिर गई और इनकम और कम हो गई, तो हमारी इकोनॉमी इस जाल से निकलने की बजाय इसमें जाती है और बांधी चली जाती है, यानी कि गोल गोल और होता जाता है, हम इसके अंदर फंसते जाते हैं, तो ये एक ट्रैप बन जाता है। ट्रैप का मीनिंग वो जाल बन जाता है जिससे हमारी इकोनॉमी को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे है नंबर 3 के ऊपर अनडिजायर्ड स्ट्रोक, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, बड़ा सिंपल सी बात है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो से बोलती आ रही हूँ कि चीजें जो है वो बिकेंगी नहीं तो अनबिकी रह जाएंगी, तो प्रोड्यूसर के पास स्टॉक बचा रह जाएगा, वो बचाना नहीं चाहता था, कोई जो है सेलर मैन नहीं चाहेगा कि उसकी शॉप के ऊपर बहुत सारी चीजें अनबिकी रह जाएं, वो हर एक चीज को बेचना चाहेगा, थोड़ी सी चीज बचा के रखना चाहेगा ताकि वो ऑफ सीजन में उसको ज्यादा प्राइस में बेच सके, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, उसके पास बहुत ज्यादा स्टॉक बच जाएगा। अनडिजायर्ड का मीनिंग है उसकी इच्छा के विरुद्ध स्टॉक बचना। आगे है लॉस इन प्रॉफिट, लॉस इन प्रॉफिट का मीनिंग क्या है? प्रोड्यूसर जितना लॉस जितना प्रॉफिट चीजों को बेचकर क्या करना चाहता था, कमाना चाहता था, उतना प्रॉफिट उसको मिला नहीं। इसके दो रीजंस हैं, पहला प्रोड्यूसर इज नॉट एबल टू क्लियर हिज स्टॉक, कि प्रोड्यूसर अपना पुराने वाला स्टॉक खत्म ही नहीं कर पाया, जब वो स्टॉक ही नहीं खत्म कर पाया तो इससे उसको फायदा थोड़ी नुकसान ही होगा। और आगे अनडिजायर्ड स्टॉक, अनडिजायर्ड स्टॉक का मीनिंग क्या है कि उसका स्टॉक बचा रह जाएगा, और स्टॉक बचा रह जाएगा तो उसको ऑफ सीजन या ऑन सीजन जब भी वो बेचे उसका प्राइस उतना नहीं रहेगा, वो कैश प्राइस बेचेगा। कैश क्या, कैश प्राइस का मीनिंग क्या है कि उसका है प्राइस कम, जिसने हमने ये नहीं देखते कि सेल लगी होती है टाइम टाइम कहीं अलग अलग जगह पर चीजों की सेल लगी होती है, सेल का मीनिंग क्या है, वो ना स्टॉक निकाल रहा होता है दुकानदार अपना ताकि वो उसको पूरा क्लियर करके स्टॉक को नया माल लेके आ सके, इसलिए वो पुरानी चीजों की सेल लगा देते हैं, और सेल में आप देखते हो कि कभी 50% का डिस्काउंट, कहीं 60% का, कभी 40% का डिस्काउंट, मतलब दुकानदार आप ये मत सोचो कि वो उसमें अपना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, वो सच्ची में कम प्राइस के ऊपर चीज बेच रहे होते हैं, वो अपना प्रॉफिट पूरे का पूरा खत्म कर रहे होते हैं। क्यों खत्म कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने अनडिजायर्ड स्टॉक खत्म करना होता है अपना, इट इज यानी कि कॉज इन लो बिजनेस एक्सपेक्टेशन, तो उनकी जो उम्मीद होती है ना जो बिजनेस कर रहे होते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं कम हो जाती है कि हमारा ये बिजनेस अच्छा नहीं है, हम इसमें अच्छे नहीं है, तो वो या तो उस बिजनेस को बहुत कम कर देंगे या फिर उस बिजनेस को बंद कर देंगे, तो इससे तो और भी ज्यादा नुकसान होगा हमारी इकोनॉमी को। तो ये चार क्रिटिकल केस हैं जो हमारी इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं एग्रीगेट डिमांड के कम होने के कारण। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सेस डिमांड बढ़ेगी।